नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक इस और एक नई वीडियो में। फिलहाल में अभी हम एक नए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, जो कि आपका छिबरामऊ से समथिंग 5 किलोमीटर की दूरी होगी। और खेतों में भ्रमण कर रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पे अधिकतम खेतों में सिर्फ गेहूँ गेहूँ नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहो तो आप लोगों को वो भी चीज़ हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद में इस खेत का आलू खोद के देखेंगे। और आप लोग खोद खेत का जो पोजीशन देख पा रहे हो, पूरे खेत में झुलसा लगा पड़ा है। तो पहले आप लोग इस क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को इस खेत के अलावा और भी 5 खेतों को दिखाएंगे, जैसा कि हमारा टारगेट होता है एक वीडियो में 6 खेतों को दिखाना। तो चलिए मेरे साथ पहले क्षेत्र का भ्रमण करिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को इस खेत का जो है पोजीशन दिखाते हैं। तो अब आप लोग इस खेत को देख लीजिएगा। इतना सब घूमने के बाद आप लोगों ने देखा कि आसपास क्षेत्र में कोई भी खेत इसके अलावा नहीं दिखा होगा। कोई नहीं, अभी इसके अलावा आगे भी चलेंगे और देखेंगे आगे का पोजीशन कैसा है। लेकिन तब तक हम आप लोगों के लिए इसमें से एक कोई एक पौधा खोद के देखते हैं कि इसमें प्रोडक्शन कैसा है। तो इसमें मेरे ख्याल से लाल आलू हैं और ये देखो, आलू तो काफ़ी है लेकिन साइज जो है वो थोड़ा छोटा मालूम पड़ रहा है। देखो इतने आलू हैं और साइज जो है आप लोग स्वयं देख पा रहे हो। चलो दूसरे खेत में चल के दिखाते हैं कि आलू का पोजीशन वहाँ पे कैसा है। फिलहाल में हम आगे चलकर आ चुके हैं और ये जो एक खेत मुझे मिल चुका है, इस खेत का भी हालत आप लोग देख पा रहे हो। इसमें केवल जो हरा हरा सा घास होता है वो नज़र आ रहा है, बाद बाकी बेल जो है वो लाल नज़र आ रही है। भाई मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि पूरे के पूरे खेत में आलू में झुलसा लगा पड़ा है। एक ये खेत दिखाई दे रहा है, इसके बगल में एक और है, लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसे कौन सा आलू है और क्या पोजीशन है। तो किधर का आपको पौधा दिखाते हैं, इधर देख लेते हैं। ये सफ़ेद वाले आलू हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। कोई नहीं, एक पौधा खोद लिया, 3 निकले हैं।
हो सकता है इसमें कम हो, दूसरा भी खोद के देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, तीन इसमें भी निकले हैं, बस तीन से ज़्यादा है ये नहीं। एक दो तीन, मतलब हर पौधे में तीन चार निकल रहे हैं। मतलब ये जितने पौधे खोदें उतना आलू आप लोग देख पा रहे हो, इतनी जगह खोद दिए देखो। तो ये आप लोग देख रहे हैं, चलो नेक्स्ट खेत में चल के देखते हैं। बाद बाकी आप लोग क्षेत्र का हालत तो देख ही पा रहे हो, आलू कम और गेहूं ज़्यादा दिखाई दे रहा है अभी। तो अभी इधर आप लोगों को चल के इधर भी दिखाते हैं, साइड में ये खेत आप लोग देख पा रहे हो, इधर भी चल रहे हैं। तो इस खेत की हालत भी वही है जो हर खेत की दिखाई दे रही है, देख पा रहे हो पूरे के पूरे खेत में सिर्फ झुलसा लगा है, बेल ख़त्म हो चुकी है। अब इसका भी थोड़ा प्रोडक्शन देख लेते हैं। ये रहा आपका एक पौधा उखाड़ा, ये रहे आलू, एक ही लो। भाई इस खेत में तो मुझे लग रहा प्रोडक्शन अच्छा है, एक पौधे में एक दो तीन चार पाँच और छः आलू, कोई नहीं हो सकता है इसमें ज़्यादा वाला हो। दूसरा खोद के देखते हैं, लेकिन नहीं इसमें तो बम्पर पैदावार है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, एक पौधे में आठ आठ आलू दस दस आलू निकल रहे हैं देखो। अरे यार ये देखो, अब साथ में लाया करेंगे आलू खुदाई करने का यंत्र। ये आलू देख लो और ये जगह देख लो, इतनी जगह के खोदे थे। तो इस खेत में तो मेरे ख्याल से पैदावार ठीक ठाक लग रही है। चलो कोई नहीं, दूसरे खेत में देख लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस एक और नए खेत में। हमारे ख्याल से ये जो खेत है चौथा खेत है, हैं? चलो भाई चौथे खेत में भी चलते हैं, लेकिन इस खेत को पहले आप लोग देख लो। भैया इस समय खेत ढूंढने पड़ रहे हैं, देखो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब खेत नहीं है, आलू ख़त्म हो गया है, सिर्फ गेहूं की बुआई हो गई है। चलो भाई ये चौथा खेत में आ गए हैं। तो इधर में लगता लाल आलू हो सकता है, लेकिन है तो सफेद। इसमें बहुत गोरा गोरा आलू है। हाँ हाँ दोमट मिट्टी है और तभी गोरे गोरे आलू हैं। एक पौधे में चार आलू देख लिया आपने, कोई नहीं एक और जगह खोद दें इधर। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये रहे एक पौधे के आलू। हाँ हाँ अब तो ये याद है। चलो फिलहाल में चलते हैं पांचवें खेत पे और दिखाते हैं आलू का हलचल। तो ये आपका रहा पांचवा खेत भाई, आप देख लो इस पांचवें खेत में भी पूरे के पूरे खेत में सिर्फ हरी घास दिखती है और लाल बेल दिखती है,
अब आलू देखते हैं किस प्रकार के इसमें दिख रहे हैं भाई, क्योंकि जमाना भी कलर कलर का है ना। इधर ला भैया, बताएं इसमें भी बहुत गोरा आलू है कि नहीं। देखो कौन सा आलू है ये, आलू आलू जो है अंदाज़ है, पुष्कर है, पुष्कर ही है। राइट बोले। अरे यार भाई जो खेत करे ना तो भाई तू ना जान का पुष्कर आलू है ये, गोल आलू है, पुष्कर ही है नहीं यार ये है। बस भैया तो आप लोग जगह पहले देख लो भैया कितनी जगह थे, एक ही और आलू लगे ला। ये देखो ठीक है, जगह देखो इतनी है, आलू देखो इतने हैं। ये हो गया आपका पांचवा खेत। अब बस आप लोगों को छठा खेत दिखाने का तुरंत प्रयास करते हैं, आप लोगों को अब छठा खेत दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।